अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और अभी हम मौजूद है श्रीनगर के दरगाह के इलाके में और आप देख सकते हैं कि बारिश जो है कितनी तेज़ी से हो रही है और अभी अभी जो है बारिश कुछ समय पहले जो है स्टार्ट हुई है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारिश अभी बहुत ही तेज़ी से हो रही है। जो भी हमारे साथ व्यूवर्स जुड़ रहे हैं तो वो हमें ज़रूर बताएं कि आप लोग किन इलाकों से हैं, अपने इलाकों को जो है अपडेट करें कि कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है, क्योंकि अभी जो बारिश हो रही है बहुत ही मुश्किल है जी बारिश रुकेगी, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से बारिश हो रही है और चलने फिरने में कितनी मुश्किलात हो रही है लोगों को वो देखने के लिए है, क्योंकि अभी 10 बजे जो है दरगाह हज़रत बल में बारिश होने वाली, नमाज होने वाली थी, लेकिन अभी जो है बारिश की वजह से शायद थोड़ा डीले हो सकता है और आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी हो रही है। जितने भी हमारे साथ व्यूवर्स जुड़े हुए हैं वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में वेदर के हवाले से अपने इलाकों के बारे में अपडेट करते जाएं और हम कमेंट में ज़रूर पढ़ेंगे कि आप लोग किन इलाकों से हैं और बारिश कहाँ कहाँ पर हो रही है। कुकरनाग अनंतनाग में बारिश नहीं हो रही है, कुलगाम में बारिश नहीं हो रही है, यानी श्रीनगर में अभी जिस तरीके से बारिश हो रही है बहुत ही तेज़ी से बारिश हो रही है और ये बहुत ही जो है प्रिडिक्टेबल, क्योंकि प्रिडिक्शन ऑलरेडी दी गई थी 5 दिनों की, लेकिन 5 दिनों से बारिश नहीं हुई, अब बारिश हो रही है ईद उल अज़हा के मौके पर, यानी आज पहली ईद है और बारिश आप देख सकते हैं कि कैसे हो रही है। गांदरबल में जो है आबिद शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही बारिश हो रही है गांदरबल में, बड़गाम में कोई बारिश नहीं हो रही है, यानी गांदरबल और श्रीनगर में लगातार बारिश देखने को मिल रही है और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि बारिश इतनी तेज़ी से हो रही है और बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 15-20 मिनट से यही कंडीशन है और आप देख सकते हैं कि पानी कितना जमा हो रहा है और सीधे जो है नीचे की तरफ जा रहा है। बांडीपोरा में नहीं हो रही है बारिश और बड़गाम में भी नहीं हो रही है बारिश और हंदवारा में भी नहीं हो रही है बारिश अभी तक, सिर्फ और सिर्फ अपडेट जो है श्रीनगर और गांदरबल से आ रही है कि श्रीनगर और गांदरबल में बारिश जो है लगातार हेवी रेनफॉल हो रही है और आप देख सकते हैं कि बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारामूला में भी बारिश नहीं हो रही है, श्रीनगर में भी हो रही है। आप श्रीनगर के जितने भी हमारे साथ व्यूवर्स हैं वो अपने एरियाज के नाम बता दें कि हमें भी पता चले कि श्रीनगर के किन किन इलाकों में बारिश अभी तेज़ी से हो रही है। हमारे साथ यहाँ पे हंदवारा में भी बारिश हो रही है, सोपोर में भी नहीं हो रही है, नटीपोरा में जो है बारिश हो रही है, कुपवारा में बारिश नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि लोग स्टक होके रह गए हैं, अपनी अपनी जगहों पर रुके हुए हैं और बारिश इतनी तेज़ी से हो रही है। आप देख सकते हैं अभी लाइव विजुअल्स में दरगाह हज़रत बल से हम अभी आपको लाइव दिखा रहे हैं। लोलाब में भी बारिश नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे साथ व्यूवर्स जुड़े हुए हैं अभी बहुत ही सारे व्यूवर्स हमारे साथ हैं, तो हमें अपडेट करें अपने इलाकों को। गांदरबल में जो है बारिश हो रही है, हरवन में बारिश हो रही है, सोपोर में बारिश नहीं हो रही है, मुजगढ़ में नहीं हो रही है, चाडोरा में भी नहीं हो रही है। इट मीन्स कि गांदरबल और श्रीनगर में तेज़ी से बारिश हो रही है और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे साथ व्यूवर्स हैं सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर और गांदरबल का जिक्र किया है, वहाँ पर बारिश जो है हो रही है। ब्रेन निषाद में बारिश हो रही है, बांडीपोरा में नेरी हो रही है, सलर में भी नहीं हो रही है, गांदरबल में हो रही है, पटन में रेनफॉल नहीं हो रही है, यानी त्राल में भी, मैंने जैसे कि अभी बताया कि सिर्फ और सिर्फ गांदरबल और श्रीनगर में बारिश हो रही है। कुंदर टंगमंग में बारिश नहीं हो रही है, लंगेट में भी बारिश नहीं हो रही है। श्रीनगर से जितने भी हमारे साथ व्यूवर्स जुड़े हुए हैं वो हमें ज़रूर अपने इलाकों को अपडेट करें और जहाँ जहाँ पर बारिश हो रही है अपने इलाकों का नाम जो है ज़रूर मेंशन करें, हम ज़रूर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में नाम लेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है। और इस तरीके से आज ईद उल अज़हा है, बकरा ईद है, पहली ईद है और आप देख सकते हैं कि लोग जो है बारिश में दरगाह के अंदर जा रहे हैं और नमाज की अदायगी करने के लिए, क्योंकि अब सिर्फ आधा घंटा बचा है और अंदर नमाज की अदायगी होने जा रही है। दरगाह हज़रत बल से अभी लाइव आप वीडियो देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसी बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश। ईद उल अज़हा बकरा ईद पहली ईद है और प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि 5 दिनों तक लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो है
बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज ईद उल अजहा के मौके पर बारिश हो रही है। अगर ईद उल फित्र की बात करें, ईद उल फित्र के दिन भी जो है बारिश ही हो रही थी, और इसे हम जो कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से रहमत है, शायद गुनाह ज्यादा हुए हैं तो अल्लाह ताला इन गुनाहों को धो रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, कई सारे अनंतनाग में भी बारिश नहीं हो रही है, एचएमटी में बारिश हो रही है, उबैद फ्रॉम बांडीपोरा बारिश नहीं हो रही है, बांडीपोरा में धूप है, जो पखरपोरा कई गांव यहाँ पे भी बारिश नहीं हो रही है, कुंजर में धूप है बहुत, रेन हैज बीन स्टॉप्ड एट, यानी बारिश ने कई कई जगहों पर रुकना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर भी जो है बारिश रुक रही है और कम कम बारिश जो है आप लाइव विजुअल्स में कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि बारिश कितनी तेज हो रही थी और एकदम से बारिश ने जो है रुकने का धीरे धीरे नाम ले लिया है। ईद उल फित्र की बात करें तो ईद उल फित्र भी जो है उस दिन भी बारिश का सिलसिला ईदों को जारी था, और आज भी ईद उल अज़हा पर बारिशों का सिलसिला पहली ईद को ही है। नॉट रेनिंग एट दूध पथरी में बारिश नहीं हो रही है, बारामूला में धूप है, और शालीमार में हाई स्पीड में बारिश हो रही है, नवा बाजार में भी हो रही है, सोनमर्ग में नहीं हो रही है, बारामूला में भी बारिश हो रही स्टार्ट हो रही है। कई सारे बारामूला से कमेंट्स आ गए हैं, उन्होंने बताया है कि कुछ इलाकों में बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में बारिश नहीं हो रही है, तो आप अपने इलाकों का नाम भी जो है मेंशन कर दीजिए। बडगाम में बारिश नहीं हो रही है, बांडीपोरा में भी बारिश नहीं हो रही है, बसपोरा में हो रही है, यानी अब जो श्रीनगर के कई सारे एरियाज है वो अपडेट हो रहे हैं हमारे साथ, और कई सारे इलाकों में बारिश अभी भी हो रही है, और धीरे धीरे जो है कई सारे इलाकों में बारिश रुक रही है, लेकिन दरगाह हजरत बल से हम अभी आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं वेदर के हवाले से, क्योंकि आज ईद उल अज़हा